to represent a presentation on topic efficient street lighting management. We are here to solve the problem, how we solve the problem of traditional management lightning, street lightning. Now I will ask my friend to pursue this presentation forward. जैसा कि हम लोगों का ये टॉपिक है, जैसा कि हम लोगों को एक इशू यहाँ पे आ रही है कि चैलेंजेस ऑफ ट्रेडिशनल स्ट्रीट लाइटिंग मैनेजमेंट। इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग स्ट्रीट लाइट को अगर ट्रेडिशनली अगर देखने जाए कि कहाँ पे कौन से ट्रैफिक लाइट्स खराब हैं, कौन प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम मतलब जाएगा हमारा, काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें जो स्टाफ या लेबर जो जाएंगे उसको चेक करने के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होगा। और और इसमें मतलब हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि सर काफ़ी ज़्यादा ऐसे मतलब लोकेशंस हैं जहाँ पे हम पहुँच ही नहीं पाए, मीन्स कि वहाँ पे हो सकते हैं कोई वेदर की कंडीशंस हो जाए या वहाँ के एरिया की कंडीशंस हो जाए। सपोज ऐसे क्या कि किसी किसी लोकेशंस में दो दो दिन तीन तीन दिन वेदर खराब है, तो उस वजह से ऐसा हो सकता है कि सर वहाँ की ट्रैफिक लाइट्स अगर खराब है तो वहाँ मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्सीडेंट्स होने के, काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे काउज ऑफ डेथ हो सकती है। जैसा कि मैंने अभी रिसर्च किया है कि ऑल अबाउट 600 समथिंग एक्सीडेंट होते हैं ये ट्रैफिक लाइट इशू की वजह से, ये 2021 का सर्वे है सर। और इसमें सबसे ज़्यादा मतलब जो हाईली एक्सीडेंट वाला मतलब जो स्टेट है वो तमिलनाडु आता है, वहाँ पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब हाईवे है और काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे रनवेज बने हुए हैं। इस टेक्निक को बताने के लिए मैं आप सबको यहाँ कोशिश करूँगा। गुड इवनिंग एवरीवन। सर जो टेक्निक हम लोग यूज़ कर रहे हैं बेसिकली उसका हम लोग डायग्राम तो नहीं बना चला पाए, पर एक हम चिप बनाएंगे जो हमारा स्ट्रीट लाइट से पैरेलली कनेक्ट होगा और करंट डिवीजन दूरी के हिसाब से, अगर एक लिमिटेड करंट डिवीजन दूरी सर उसके हिसाब से अगर करंट हमारा उस चिप में ज़्यादा फ्लो करेगा क्योंकि पैरेलली कनेक्ट रहेगा तो करंट इक्वली डिवाइड होगा, और अगर करंट इसमें ज़्यादा जो उससे हम लोग को ये पता चल जाएगा इसको सेट करने के लिए हमारे चैलेंजेस होगा वो मेन हमारा सर। सर इस सेंसर का जो बेनिफिट होगा स्ट्रीट लाइट को उसका हम पहले इंडस्ट्री में ये बता देते हैं, इंडस्ट्री में जो आपने करंट डिवीजन की बात की थी ना। यस सर आइए तो करो। यस सर How you are going to find out what is the current that is produced by a street light and the current required by the chip to generate a signal? Sir, that we are not going to find out. Actually, that we are going to set that amount. नहीं आप कैसे उसमें आपने पास पैरेलली आप स्ट्रीट लाइट में yes, sir. चिप जो आप डिजाइन कर रहे हैं उसको कनेक्ट कर रहे yes, sir. ठीक है। Now suppose 1 ampere current is required by the street light. Yes, sir. ठीक है। Now if current more than 1.1 ampere is flowing, then only the light street light will be taking 1 ampere. Yes, sir. मान लिया 1.5 ampere का 0.5 वोल्ट चला गया, चिप में चला गया। सर तो उसका एक थ्रेशोल्ड वैल्यू में मैं जो 5 ampere तो लाइन आ रहा है और 1 ampere मेरा स्ट्रीट लाइट यूज कर रहा है, बाकी मेरा 4 ampere सर्किट के थ्रू पास हो रहा है, 4 ampere तक वो जनरेट नहीं करेगा। जैसे मेरा स्ट्रीट लाइट यूज हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो वो तो मेरा सर्किट ब्रेक हो गया, बाकी सारा 5 ampere मेरा चिप में नहीं जा रहा। आपको एक थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी सिलेक्ट करना है वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कितनी आपकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है कि उससे एक्सीड करेगा तो आपकी चिप आपके मेन सर्वर पे एक सिग्नल जनरेट कर देगी। सर वो डायरेक्टली तो क्वेश्चन होगा मैं जितना सप्लाई लाइन जितना है अगर 5 ampere आ रहा है तो 5 ampere होगा उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट। That you have to decide ना आपकी चिप की रेटिंग के हिसाब से कौन सा माइक्रोकंट्रोलर यूज कर रहे हैं। सर माइक्रोकंट्रोलर यूज करेंगे ना। यस सर। कौन सा
that we have not decided yet, sir. 8051, उसका आपने स्पेसिफिकेशन देखी है? जैसा कि सर ये हम लोगों का प्रोग्राम जो हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसको किसी एक जगह से, तो मीन्स वहाँ पे हम लोग किसी ना किसी डीसी कंट्रोलर के थ्रू, मतलब इस पूरे के पूरे एसी सप्लाई को हम लोग कंट्रोल करेंगे। और फिलहाल हम लोग सर फिलहाल हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन है, हम लोग सोलर एनर्जी वाले स्ट्रीट लाइट्स को भी मतलब यूज कर सकते हैं। और उनके लिए भी अलग अलग करंट्स होती है, रेड येलो और ग्रीन तीनों के लिए अलग अलग रेटिंग होती है। How you are going to decide, वो आपको बहुत उसके लिए वो करना पड़ेगा। जो कि हमारे इंडस्ट्री में सर पावर कंजम्पशन जो है स्ट्रीट लाइट के थ्रू 18-38% स्ट्रीट लाइट के थ्रू पावर कंजम्पशन होता है, तो उसको कम करने के लिए उसमें सेंसर जो होगा वो जहाँ पे भी फॉल्ट होगा उसको डिटेक्ट करेगा। ये फर्स्ट थिंग हो गया। दूसरा हो गया, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट, जो भी कॉस्ट होगा उसको रिड्यूस करेगा। और सर इसमें एक सेंसर जो उसका काम रहेगा कि जो भी वहाँ से घूमे या फिर व्हीकल्स जाएगा उसके अकॉर्डिंग ये ऑन और ऑफ होगा, कि अगर वहाँ से कोई व्हीकल्स जाता है उसके अकॉर्डिंग वो ऑन हो जाएगा और जाते ही वो ऑफ हो जाएगा, जिससे कि हमारा पावर कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगा। सर सेंसर ही खराब हो गया सर, सेंसर खराब